ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, एक्टिंग फॉर ऑल, और लास्ट है देयर मस्ट बी एन एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस। अब हमने कहा कि ये आपस में एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट दो टाइप के होते हैं, इट मे बी ओरल एग्रीमेंट और इट मे बी रिटन एग्रीमेंट। तो ओरल एग्रीमेंट हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट। डिस्प्यूट के चांसेस हो जाते हैं कई बार ओरल एग्रीमेंट में, इसलिए ज्यादातर आजकल जो पार्टनरशिप होती हैं उनमें रिटन एग्रीमेंट लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, ताकि फ्यूचर में यदि कोई डिस्प्यूट आए तो देयर शुड बी एन एविडेंस, कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए। तो अब यहां पे भाई जब पार्टनर्स रिटन एग्रीमेंट होता है तो उस रिटन एग्रीमेंट को कहा जाता है पार्टनरशिप डीड, करेक्ट, पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। पार्टनरशिप डीड में कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस यहां पर होते हैं, जैसे मान के चलिए पार्टनर्स जो है वो कैपिटल कितना लाएंगे, पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगा, पार्टनर कभी यदि लोन देता है तो उसका इंटरेस्ट कितना होगा, पार्टनर्स जो है उनके नेम, उनके एड्रेस, ये सारी चीजें यहां पर ऑलरेडी दी हुई होती है, क्लियर। तो अब पार्टनरशिप डीड जो है ये एक प्रकार का एग्रीमेंट है, देखिए लिखा हुआ है द पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट अमंग ऑल द पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनरशिप डीड, इट कंटेन ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप, सारी टर्म्स एंड कंडीशन यहां पर दी हुई होती है, करेक्ट। बहुत सारी चीजें एक्चुअल में इसमें होती हैं। अब ठीक है भाई, अगर रिटर्न है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यदि ओरल है, अब ओरल में कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, करेक्ट। तो जो भी हमने ओरल जो भी चीजें डिसाइड की हैं वो अकॉर्डिंगली चलेंगी, और यदि आप एग्रीमेंट करते समय कोई चीज डिसाइड नहीं कर पाए, करेक्ट, एग्रीमेंट करते समय आपने भाई आपने नहीं जान पाए कि हम प्रॉफिट किस तरह से बांटेंगे, किसको सैलरी देंगे किसको नहीं देंगे, कमीशन किसको देना है, मतलब पार्टनरशिप में आप ऐसी कुछ चीजों को ओरल एग्रीमेंट किया आपने और ओरल एग्रीमेंट में कई सारी चीजें आप डिस्कस नहीं कर पाए, और फ्यूचर में यदि डिस्प्यूट होता है, करेक्ट, फ्यूचर में यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो उस समय क्या करेंगे हम, तो ऐसा जो है अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, ऐसी स्थिति आती है तो उस स्थिति में हम जाएंगे लॉ की शरण में, हम जाएंगे रूल्स एंड रेगुलेशन की शरण में। अब रूल्स एंड रेगुलेशन की शरण में जाना मतलब ये कि भाई यदि कोई चीज आपने डिसाइड नहीं की है, यदि कोई मैटर आपने डिस्कस नहीं किया है पार्टनरशिप करते समय और बाद में चल के यदि कोई डिस्प्यूट आता है तो लॉस बारे में क्या कहता है। जैसे मान के चलिए कि भाई फॉर एग्जाम्पल के लिए कि भाई आपने डिसाइड नहीं किया कि हम प्रॉफिट को किस तरह से बांटेंगे, आपने डिसाइड नहीं किया कि कोई बंदा जो ज्यादा काम कर रहा है उसको सैलरी देंगे कि नहीं देंगे, कोई ज्यादा पैसे लाया तो उस पैसे पे उसको ब्याज देंगे कि नहीं देंगे, तो ऐसी कई सारी चीजें देयर इज अ लॉट ऑफ मैटर। बस आपने तो पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी, अब आपने ये एग्री नहीं किया और बाद में जाके हो गया डिस्प्यूट, तो उस सिचुएशन में जो है कोर्ट और लॉ का कहना है कि भाई पार्टनरशिप में ऐसे कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं कि भाई जब यदि कोई डिस्प्यूट आता है तो आप इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशन की शरण में जाइए, करेक्ट। अगर कोई डिस्प्यूट आता है, यदि आपस में पार्टनर लड़ रहे हैं तो कहां जाना है भाई, हमें जाना है पार्टनरशिप एक्ट में, एक्ट में कुछ रूल्स दिए हुए हैं, उस रूल्स के अकॉर्डिंग ही चीजें डिसाइड होगी। मतलब यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं किया हुआ है, मतलब उन बातों पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ है पहले, तो आपको पार्टनरशिप एक्ट में दी गई बातों को मानना ही पड़ेगा, आपको उनको मानना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी बातें हैं जो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, मतलब यदि हमने आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं किया है, हमने डीड नहीं बनाई है और उस पर कोई बात नहीं की है, तब लॉ क्या कहता है, हमें क्या करना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो यदि भाई आपने शेयरिंग प्रॉफिट के बारे में कोई बात नहीं बोली है, शेयरिंग प्रॉफिट के बारे में आपने कोई भी बात बोली नहीं है, तो शेयरिंग प्रॉफिट के बारे में आपने कोई बात नहीं बोली, क्लियर। तो जब कोई बात आपने बोली नहीं है
और पहले भी डिसाइड नहीं किया कि प्रॉफिट होगा तो कितना मैं लूंगा और कितना मेरा फ्रेंड लेगा, आप और आपके फ्रेंड पार्टनर हैं, तो ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है। तो लॉ कहता है भैया लड़ाई नहीं, दोनों बराबर बराबर प्रॉफिट को, मतलब यदि आपने प्रॉफिट कैसे कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा ये पहले डिसाइड नहीं किया है तो इक्वल प्रॉफिट बांटा जाएगा। तो आपको अपने नोट्स में ये जो स्पेस आपको दिख रहा है यहां पर आप लिखेंगे दैट इज इक्वल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल प्रॉफिट या इक्वली प्रॉफिट कैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है भाई, इक्वली बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वल प्रॉफिट बांटेंगे, करेक्ट। भले कोई पार्टनर कुछ भी बोले, अब जैसे पार्टनर बोल रहा है कि नहीं मैंने तो ज्यादा पैसे ले, जैसे क्वेश्चन आया मान के चलिए एग्जाम में कि भाई एक पार्टनर ने ज्यादा पैसे मिला है दूसरे ने कम मिला है, अब जिसने ज्यादा मिला है वो बोल रहा है कि मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए और कोई एग्रीमेंट उनके बीच प्रॉफिट बांटने का नहीं है, तो बताइए क्या हम उस बंदे को जिसने ज्यादा पैसे लगाए हैं उसको ज्यादा प्रॉफिट देंगे? तो आंसर इज नो, क्योंकि यदि एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट बराबर बराबर बांटा जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन कितने पैसे लेकर आ रहा है, यदि एग्रीमेंट नहीं तो प्रॉफिट बराबर बराबर बांटा जाएगा, करेक्ट। इक्वली हम प्रॉफिट को शेयर करेंगे, करेक्ट। देखिए लिखा हुआ है, एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर सी कॉन्ट्रीब्यूट मोर कैपिटल। तो यहां पे देखेंगे आप कि भाई तीन पार्टनर हैं, देखिए ऊपर लिखा हुआ है ये सारे केसेस जो हैं तीन पार्टनर्स के रिस्पेक्ट में हैं कि भाई देर आर ए बी सी थ्री पार्टनर विदाउट डीड और एग्रीमेंट, इनके बीच में एग्रीमेंट और डीड तो है नहीं। तो सी ने ज्यादा पैसा पार्टनरशिप में मिलाया है और वो कह रहा है कि मुझे ज्यादा शेयर चाहिए, ही डिमांडेड शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो, कैपिटल रेशियो में जितना कैपिटल मैंने लगाया उसके हिसाब से मुझे प्रॉफिट दो, तो हम देने वाले हैं क्या? तो आंसर इज नो, क्योंकि यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है, आपने कोई एग्रीमेंट नहीं किया है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो यहां पर हम बोलेंगे कि दैट इज कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, नो, करेक्ट। सी का जो सीज क्लेम नॉट वैलिड, और प्रॉफिट जो है वो कैसे बटेगा? तो इक्वली प्रॉफिट को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो मतलब यदि कोई एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर हुआ फर्स्ट पॉइंट ये कब की? देखिए अगर एग्रीमेंट है तो जैसा एग्रीमेंट है ना वैसा करिए आप। ये कब हम ये जो पॉइंट है ये कब बात कर रहे हैं हम? ये हम बात कर रहे हैं कि जब कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, आपने बात तक नहीं की है कि फ्यूचर में प्रॉफिट डिसाइड करेंगे कैसे, तो आपने बात तक नहीं की है, उस स्थिति में हम लॉ को फॉलो करते हैं, करेक्ट। उस सिचुएशन में हम लॉ को फॉलो करते हैं, क्लियर। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और रेम्यूनरेशन, करेक्ट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भाई, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब है कि हम जो पैसा बिजनेस में लगा रहे हैं, करेक्ट। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा दैट इज द लीगल सेपरेट एंटिटी होता है, मतलब बिजनेस अलग होता है और जो बिजनेस का ऑनर है वो अलग होता है, मतलब बिजनेस का एग्जिस्टेंस अलग है और जो ऑनर है वो अलग है, करेक्ट। तो यहां पर ऑनर ने जो पैसा बिजनेस में लगाया है उस पर वो कैपिटल पर इंटरेस्ट ले सकता है, करेक्ट। अब मान के चलिए, और सिमिलरली उसी तरह से अगर वो ज्यादा मेहनत करता है तो वो सैलरी भी ले सकता है, कमीशन भी ले सकता है और रेमनरेशन, रेमनरेशन सैलरी इज वन एंड द सेम थिंग, अलग अलग लिखा है, लगभग सेम है। अब देखिए यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रेमुनरेशन, ये सारी चीजों के बारे में यदि फर्म ने पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा हुआ है ऑलरेडी,
मतलब उन्होंने ऑलरेडी लिखा है कि भाई सैलरी मिस्टर ए को इतनी रुपए देना है, मिस्टर बी को कमीशन देना है, मिस्टर सी को सपोज इंटरेस्ट देना है, जो भी लिखा है, तो जैसा लिखा है वैसा करिए, जैसा लिखा है वैसा हम करेंगे, क्लियर। पर यदि कुछ लिखा हुआ नहीं है, सैलरी के बारे में कुछ नहीं लिखा, रेमुनरेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा, कोई एग्रीमेंट इनके रिस्पेक्ट में हुआ नहीं है, तो याद रखिए कि भाई हम इन्हें कोई भी चीज अलाउड नहीं करेंगे, दैट इज नॉट अलाउड। मतलब भले कोई पार्टनर बोल रहा है कि मैं बहुत मेहनत करता हूं, चीख चीख के बोल रहा है कि मैं बहुत मेहनत करता हूं, मैं बहुत काम करता हूं, मुझे सैलरी चाहिए, एक्स्ट्रा सैलरी, मगर यदि पार्टनरशिप बनते समय कोई एग्रीमेंट नहीं किया है ना, तो कोई सैलरी नहीं मिलेगी। कोई बोल रहा है कि मैंने बहुत सारा कैपिटल मिलाया है तो मुझे उस पर ब्याज चाहिए, तो भैया नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। कोई बोल रहा है कि मुझे कमीशन चाहिए, मैं ज्यादा सेल करता हूं, मुझे सेल पे कमीशन चाहिए, तो कोई कमीशन नहीं मिलेगा यदि कोई यदि कोई एग्रीमेंट ऑलरेडी आपने ऐसा तय किया है तो उसके अकॉर्डिंग जाना है। पर यदि कोई एग्रीमेंट तय नहीं है, कोई पार्टनरशिप डीड का पता ही नहीं है, तो फिर आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, भले ही आप कितनी डिमांड करो, भले ही आप कुछ भी बोलो। अगर क्वेश्चन आता है कि भैया मैं ज्यादा मेहनत करिए, मिस्टर ए ने वो बोल रहा है कि मुझे सैलरी दो, तो हम बोलेंगे जा भाग यहां से, नहीं मिलेगी सैलरी यार, नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो देखिए लिखा हुआ है, ए इज इन फुल टाइम इन अ बिजनेस, ए बिजनेस में फुल टाइम, फुल टाइम सुबह 8 बजे से लेके बेचारे रात को 8 बजे तक आ जाते हैं, तो ए इज इन फुल टाइम इन बिजनेस, डिमांड सैलरी 5,000 पर मंथ, डिमांड कर रहे हैं कि मुझे सैलरी दो, मैं सुबह 8 बजे आता हूं, रात को 8 बजे जाता हूं, तो मुझे सैलरी चाहिए, तुम मुझे बताइए। अभी बी और सी देखिए, बी और सी डू नॉट एग्री, बी और सी एग्री नहीं हो रहे, तो क्या हम उन्हें सैलरी देंगे? दया आ रही ना आपको, सुबह 8 से शाम को 8 तक, मुझे भी आ रही है, मगर हम उन्हें सैलरी नहीं दे सकते। क्यों क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, और लॉ कहता है कि भाई कोई सैलरी वगैरह अलाउ नहीं की जाएगी। तो यहां पर आंसर लिख देंगे, दैट इज नॉट एज क्लेम नॉट वैलिड और नॉट अलाउड सैलरी। कोई सैलरी अलाउड नहीं होगी, कोई सैलरी अलाउड नहीं होगी, क्लियर। नाउ अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांसेस बाय द पार्टनर। अब भाई कई बार क्या होता है कि जरूरत पड़ती है फर्म को पैसे की, तो जनरली कैपिटल तो मिलाते ही हैं सारे पार्टनर, ठीक है उसके लिए, पर और जरूरत पड़ी, अब और जरूरत पड़ी तो एक आध पार्टनर से बोले, ए से बोले हम कि भैया ए जाओ जरा कुछ लोन दे दो फर्म को, तो ए ने सपोज 50,000 रुपए का लोन दे दिया। अब जिस समय लोन दे रहा था उस समय कुछ ध्यान नहीं आया कि भाई इस लोन पर ए को ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा, फर्म ब्याज देगी या नहीं देगी, ऐसा कुछ भी एग्रीमेंट में ना लिखा था और ना ही ध्यान आया, कुछ भी हमने लिखा नहीं, कुछ एग्रीमेंट इससे किया नहीं। तो अब ए ने तो लोन दे दिया, अब ए बाद में बोल रहा है कि भैया मुझे ब्याज चाहिए इस लोन पे, तो आप मुझे बताइए, आप जरा सोचिए कि क्या उसे ब्याज देना पड़ेगा, करेक्ट, क्या ऐसा कुछ लॉ में होगा? यस। तो यहां याद रखिए कि भाई यहां पर हम जरूर देंगे ब्याज, क्योंकि हमने लोन लिया है, फर्म ने लोन लिया है तो ब्याज देंगे, बट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी लॉ में, एक्ट में, पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि जिस भी बंदे ने आपको लोन दिया है उस बंदे को आप बिल्कुल ब्याज दीजिए, मगर वो इंटरेस्ट, वो ब्याज 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब आप 6% इंटरेस्ट आप दे सकते हैं, उससे ज्यादा आप उसको इंटरेस्ट नहीं दे सकते। मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांसेस बाय द पार्टनर, सो अलाउड, अलाउ है, इंटरेस्ट देंगे, अलाउ एट द रेट ऑफ 6%
पर एनम, वर्ड ध्यान रखिए 6% और वो भी पर एनम है। पर एनम का मतलब जानते हैं आप? हाँ, 11th क्लास के डेप्रिशिएशन की बात की जा रही है, मतलब मंथ इज कंसीडर्ड हियर, मंथ टाइम पीरियड इज कंसीडर्ड हियर, यस। तो 6% से इंटरेस्ट मिलेगा। अगर वो बोल रहा है कि नहीं भैया मार्केट में तो 12% चल रहा है, मार्केट में तो 15% चल रहा है, तो हम कहेंगे जा भाग जाए यहां से, कोई 12% या 15% नहीं मिलेगा, 6% मिलेगा, सिर्फ क्योंकि 6% लॉ में लिखा हुआ है। क्लियर? तो देखिए लिखा हुआ है, मिस्टर सी डिमांड इंटरेस्ट ऑन लोन दैट इज 50,000 जो उन्होंने दिया है एट द रेट ऑफ 12%। 12% बोल रहे हैं, 12% चाहिए, देंगे क्या? नहीं देंगे जी, सिर्फ 6% लिख देंगे यहां, हमें अफसोस है नहीं दे पाएंगे, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड 12%, देयर इज ओनली 6% अलाउड, सिर्फ 6% दिया जाएगा। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार ये एग्जाम में आता है। क्लियर? तो याद है पहला पॉइंट क्या हुआ, शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे दोनों पार्टनर्स, दोनों पार्टनर में बराबर बराबर प्रॉफिट बांटा जाएगा इक्वली। सेकंड नंबर इंटरेस्ट ऑन लोन, नहीं भाई सॉरी, सेकंड नंबर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन या रेमुनरेशन, तो भैया नहीं दिया जाएगा, नॉट अलाउड। थर्ड नंबर पे इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस बाय द पार्टनर, तो देंगे ना 6% से देंगे। और नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब ड्रॉइंग का मतलब हम सबने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में कि भाई जब कोई व्यक्ति जरूरत पड़ने पे, जब कोई व्यक्ति बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है तो दैट इज कॉल्ड पैसा करे या परचेज मतलब गुड्स करे, कुछ भी करे, तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग। तो ये ड्रॉइंग जो है, कोई व्यक्ति पार्टनर ड्रॉइंग कर रहा है, पैसे निकाल रहा है, तो क्या ये जो पैसे निकाल रहा है, ड्रॉइंग कर रहा है, तो क्या इस ड्रॉइंग पर पार्टनर से ब्याज लिया जाएगा, क्योंकि पार्टनर रुपए ले रहा है फर्म से। ध्यान से सुनिए, ड्रॉइंग का मतलब पार्टनर रुपए ले रहा है फर्म से, तो क्या इस पर ब्याज लिया जाना चाहिए, क्या इस पर ब्याज लिया जाएगा? तो यदि कोई एग्रीमेंट नहीं है, अगर एग्रीमेंट है तो उसके हिसाब से लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर यदि एग्रीमेंट नहीं है तो कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। याद रखिए, यदि एग्रीमेंट नहीं है तो कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा, दैट इज नॉट अलाउड। मैंने ये नीचे लिख दिया लाइन, तो मैं इसको ऊपर कर देता हूं, यहां की है ये, तो यहां पे नॉट अलाउड इंटरेस्ट, नॉट अलाउड नहीं लिया जाएगा भाई। कोई भी ब्याज पार्टनर ने ड्राइंग की है, कोई बात नहीं, ले जा भैया पैसे, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। तो चार इंपॉर्टेंट चीजें कई बार क्वेश्चन में आएंगी। सबसे पहला प्रॉफिट, यानी यदि क्वेश्चन में इनमें क्वेश्चन साइलेंट है तो फिर हमें ये मानना, जैसे क्वेश्चन में आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, कहीं भी पार्टनर कितने कितना प्रॉफिट बांटेंगे नहीं दिया है, तो इक्वली बांट देना। यदि क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा जो है पॉइंट नहीं दिया है जिसमें ऐसा बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या पॉइंट दिया भी है और ऐसा दिया हुआ है कि भाई कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो इनको फिर हमें इंटरेस्ट वगैरह कुछ देना नहीं है कैपिटल पे। सिमिलरली अगर लोन टू द पार्टनर ऐसा दिया है कि पार्टनर्स ने लोन दिया और उसका इंटरेस्ट रेट कुछ भी नहीं दिया है, तो उसको ब्याज देंगे कितने परसेंट से, 6% से ब्याज दिया जाएगा। क्लियर? और शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस